दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2021 में तो भारतीय टीम का सफर सुपर 12 में ही समाप्त हो गया, लेकिन अगले T20 वर्ल्ड कप में भी अब सिर्फ 10 महीने का ही समय बचा है और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला यह T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए भी बेहद खास होगा, क्योंकि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में अपनी बुरी हालत से सीख लेकर कई बदलाव करेगी और वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम अभी से कुछ युवा खिलाड़ियों को तैयार कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं 5 ऐसे ही भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें चयनकर्ता अभी से 2022 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माई लेमन सर्कल नाम के एक बेहतरीन फैंटेसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर हाल ही में मैंने 10,000 रूपए जीते हैं। और क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी 10,000 रूपए जीतने का मौका मिलेगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यहां पर आप लक्ष्मण गांगुली और रहाणे जैसे चैंपियंस के साथ खेल सकते हैं। यहां आप लक्ष्मण की टीम को हराकर दोगुना कैश जीत सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट और 1500 रूपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2021 के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें T20 विश्व कप 2022 में खेलते हुए देखा जा सकता है। गायकवाड़ ने आईपीएल के 16 मैचों में 635 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोरर भी रहे थे, जिसके बल पर वे अरेंज कैप जीतने में भी कामयाब हुए। उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2021 में ही ऋतुराज गायकवाड़ ने डेब्यू किया था, साथ ही आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर के रूप में शुरुआत करने वाले गायकवाड़ अब भारत के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं और उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी मौका मिला है, इसलिए अगले विश्व कप के लिए चयनकर्ता इस युवा खिलाड़ी पर नजर रखेंगे। वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल के दूसरे चरण में जिस प्रकार प्रदर्शन किया है, यदि वे पहले चरण से ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो शायद अरेंज कैप के भी दावेदार हो सकते थे। वास्तव में केकेआर के आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंचने के लिए वेंकटेश अय्यर बहुत बड़ा कारण थे, क्योंकि उनकी ओपनिंग पारी के बल पर ही कोलकाता ने कई मैच जीते हैं। इतना ही नहीं, वेंकटेश अय्यर एक बेहतरीन गेंदबाजी के रूप में भी सामने आए, क्योंकि भारतीय टीम में मध्यम तेज गति के गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं है, साथ ही कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा। यदि हार्दिक पांड्या अगले विश्व कप तक गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से फिट नहीं रहते तब वेंकटेश अय्यर निश्चित ही टीम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं और उन्हें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मौका मिला है। आवेश खान। T20 विश्व कप 2021 के बाद भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार अपनी फॉर्म से जूझते नजर आ रहे थे और अब विश्व कप में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब चयनकर्ता कुछ नए खिलाड़ियों को जगह देने पर विचार कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नजर आवेश खान पर भी होगी, जो कि आईपीएल 2021 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। आवेश डेथ ओवर्स और पावर प्ले दोनों में ही गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए वे भविष्य में जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार बन सकते हैं। सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, अब से 2 साल पहले जिस तरह से भारतीय टीम में भविष्य को लेकर पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल को देखा जा रहा था, अब उनकी जगह ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने ले ली है और यही वजह रही कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी इन दोनों ही खिलाड़ियों को जगह मिली। हालांकि ईशान किशन को सिर्फ एक मैच में खिलाया गया और उसी में उन्होंने निराश किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव को 4 मैचों में खिलाया गया और 3 में उनकी बल्लेबाजी आई, जिसमें उन्होंने 42 रन बनाए। अगर हम उनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 3 वनडे मैचों में 62 की औसत से 124 रन बनाए, तो वहीं 8 T20 मैचों में 45.25 की औसत से 181 रन बनाए। आईपीएल में भी उन्होंने 115 मैचों में 28.9 की औसत से कुल 2341 रन बनाए हैं, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम उन्हें वर्ल्ड कप 2022 के लिए अच्छी तरह से तैयार करना चाहेगी। राहुल चहर। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि क्रिकेट में स्पिनर की कितनी अहम भूमिका होती है। कई पिचें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ स्पिनर की ही गेंदबाजी काम करती है और इसलिए टीम में कम से कम 2 स्पिनर होने जरूरी है। वर्तमान समय में भारतीय टीम में कोई भी ऐसा स्पिनर ऑलराउंडर मौजूद नहीं है जो हो तो एक ऑलराउंडर लेकिन गेंदबाजी उसका मजबूत पक्ष हो, इसलिए भारतीय टीम में कम से कम 2 मैन स्पिनर को ही खिलाने की जरूरत पड़ती है। और अगर एक खिलाड़ी युजवेंद्र चहल या फिर दूसरा कोई हो तो एक खिलाड़ी
उसमें राहुल चहर भी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जगह बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और वहाँ स्पिनर की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माई इलेवन सर्कल ऐप में आप 10,000 रुपए कैसे जीत सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुई लिंक से यह ऐप डाउनलोड करना है और अपनी टीम बनानी है और खेलना है। एक भाग्यशाली विजेता को 10,000 रुपए मिलेंगे। बस याद रखें कि आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतने ही आपके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.